नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और प्री अप्रूव्ड ऑफर दिखाऊंगा जो कि मुझे मिला है। और इस बार मुझे ना ही एक्सिस बैंक की तरफ से मिला है और ना ही HDFC बैंक की तरफ से मिला है, बल्कि जो मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है वो ICICI बैंक की तरफ से मिला है। तो कौन सा ऑफर है और आपको इस तरह के ऑफर किस तरह से मिल सकते हैं और आपको इस तरह के ऑफर मिले हैं या नहीं मिले हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी को और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ICICI बैंक के द्वारा मिले हुए प्री अप्रूव्ड ऑफर को चेक करने के लिए आपके पास में आई मोबाइल पे ICICI बैंक का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपके पास में ये एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन का होम पेज जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आप देख सकते हो माई सेविंग अकाउंट का ऑप्शन बना हुआ है, लेफ्ट में आप स्वाइप करोगे तो आपके पास में जो भी कार्ड होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी ICICI बैंक के दो क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप देख सकते हो पहला तो अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो HPCL कोरल क्रेडिट कार्ड है। तो मुझे जो ऑफर मिला है HPCL कोरल क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट मिला है। तो ऑफर को ग्रैब करने के लिए यहाँ देखिए मैनेज करके एक ऑप्शन बना होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे में आप देख सकते हो ATM विड्रो मर्चेंट आउटलेट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको सिंपली आपने नीचे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। तो आप चाहो तो यहाँ पर पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से बैक जाकर होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कार्ड्स एंड फॉरेक्स का। तो इस कार्ड्स एंड फॉरेक्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जो भी ऑफर आपके लिए अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि HPCL कोरल क्रेडिट कार्ड में अभी जो मुझे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट कार्ड अप टू 1,20,000 रुपीज का मिल रहा है। तो अभी मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं डिसबर्स नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मिनिमम अमाउंट जो है मैं 20,000 रुपीज का ले सकता हूँ और मैक्सिमम जो है 1,20,000 का ले सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जितने का आपको ऑफर मिला है उतना ही आपने लेना है, उससे कम अमाउंट भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अभी पूरा का पूरा 120 ही टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने टर्नओवर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12, 18, 24, 36, 48 और 60, यानी 5 साल तक के लिए मैं इस लोन को ले सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर 12 महीने का ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो चुका है। अभी जो मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 14.99% का लग रहा है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो यहाँ पर 1% का प्रोसेसिंग फी लगेगा और ये अमाउंट जो है हमारे किस अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लीज सिलेक्ट द क्रेडिट अकाउंट, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में कैलकुलेट EMI वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कि लोन अमाउंट आप 1,20,000 का ले रहे हैं और टर्नओवर जो सिलेक्ट किया आपने 12 महीनों का सिलेक्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14.99% का लग रहा है, प्रोसेसिंग फी जो है इस पे 1% के अकॉर्डिंग 1,200 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, GST एंड अदर चार्जेस भी आप देख सकते हो इसमें आपको पे करना पड़ेगा जो कि मुझे लग रहा है 2,010.96 रुपए। और EMI की बात करें तो मेरी जो पर मंथ EMI जाएगी 10,831 रुपए का जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो इस लोन को लेने के लिए जस्ट यहाँ पर आई हैव टू रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे मैं राइट का साइन कर दूंगा, देन डिसबर्स नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ये अमाउंट जो है इंस्टेंट ही मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या फिर मैक्सिमम 24 आवर्स में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट मैंने अभी इस लोन को लेना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। इसी के साथ अभी मैं यहाँ पर आपको अपने कार्ड की लिमिट को दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेरी जो कार्ड की लिमिट है सिर्फ 30,000 रुपए है और मुझे यहाँ पर जो लोन मिल रहा है 1,20,000 रुपए का मिल रहा है, यानी मेरे कार्ड की लिमिट से ज्यादा का मुझे लोन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा कि मुझे ICICI बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट 1,20,000 रुपए का लोन मिल रहा है, जो कि मुझे सिर्फ वहां पर डिसबर्समेंट नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना था टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद में। तो ये जो पेमेंट है इंस्टेंटली मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता, मुझे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी KYC करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डिसबर्समेंट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही पेमेंट जो है मेरे एक बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता।
तो आखिर इस तरह के ऑफर्स मुझे कैसे मिलते हैं, और यहाँ तक कि मुझे ये जो क्रेडिट कार्ड मिला है ना, जिस क्रेडिट कार्ड का अगेंस्ट आज मुझे पर्सनल लोन का ऑफर मिला है, ये क्रेडिट कार्ड भी मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला है। जब मैंने इस कार्ड को ले लिया था उसके बाद में मुझे अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला। तो अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड जो है मेरा सेकेंडरी कार्ड है आईसीआईसी बैंक की तरफ से। अब बात करते हैं कि मैंने इस अमाउंट को डिसबर्स क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे तो अभी लोन की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करवाया। और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड तो मैं यूज करता ही हूँ, तो अगर मुझे ऐसी किसी खास जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी फंड वगैरह की, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी अपने क्रेडिट कार्ड को बैंक ट्रांसफर कर लेता हूँ, जो कि आपको ट्रिक्स मेरे चैनल पर देखने को मिलती ही रहती है। तो बिना मतलब का मैं इतने सारे चार्जेस क्यों पे करूं, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी भी लगेगा, उसके बाद में जीएसटी की चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इतने सारे चार्जेस मैं फालतू में क्यों पे करूं? अगर मैं इस अमाउंट को ले लेता हूं तो एक लॉस मेरे को और हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम में इससे बड़ा अमाउंट अगर मैं जब मैं लेने जाऊंगा तो वो जब मुझे लोन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम मेरा सिविल इंक्वायरी होगा, तो उस टाइम मल्टीपल लोन अकाउंट जो है मेरे सिविल में शो करेगा, जिस कारण से हो सकता है कि मैं बड़े अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो वो अमाउंट मुझे ना मिल पाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है आपके पास में मल्टीपल लोन अकाउंट्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए मुझे अभी इस लोन अमाउंट की जरूरत नहीं थी, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मैंने यहां पर आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है से किस तरह से आप चेक कर सकते हो आपके अकाउंट में ऑफर है या नहीं है, और आपको अगर ऑफर मिलता है तो किस तरह से आप उसको ग्रैब कर सकते हो, किस तरह से आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा बात ये भी कर लेते हैं कि मुझे इस तरह के ऑफर्स कैसे मिलते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं अपने क्रेडिट स्कोर को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करता रहता हूँ। क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, इसी के साथ क्रेडिट कार्ड को मेंटेन कैसे किया जाता है, तो इसका एक ही लॉजिक है कि आपका जो भी ड्यूज वगैरह है, जितने भी आपने लोन्स वगैरह ले रखे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसकी टाइमली रीपेमेंट कीजिए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसकी हमेशा कोशिश कीजिए कि फुल अमाउंट ही पे कीजिएगा, मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में मत पड़िएगा। मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से क्या होता है कि आपको लेट पेमेंट फीस नहीं देना होता है, लेकिन जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाता है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो इससे आपका सिबिल पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिस कारण से आपको दूसरे किसी हायर लोन के अप्लाई करते टाइम में कई तरह प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, और उसी के साथ आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में भी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आपको अगर पहले से कोई लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसकी टाइमली रीपेमेंट आप करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका सिबिल और ज्यादा इंप्रूव होगा और आपको भी प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।